हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में रियलमी 8 का आने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बॉक्स के ऊपर आपको एक पाउच देखने को मिलता है, जिसमें आपको ब्लैक कलर का क्लियर केस है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का देखने को मिलता है। और उसके साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है, और ऊपर सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, जिससे आप सिम को रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद बॉक्स में फ़ोन रखा हुआ मिल जाता है। और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स में आप देख सकते हैं कि इसमें एक चार्जर ब्रिक देखने को मिलता है, जो कि सुपर डार्ट चार्जर है। अभी के लिए इसको भी साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में और क्या है। और आप देख सकते हैं कि बॉक्स में एक चार्जिंग केबल देखने को मिलता है, जो कि टाइप ए टू टाइप सी केबल है। चलो फ्रेंड्स, तो फ़ोन को रैपर से निकाल लेते हैं और देखते हैं फ़ोन कैसा है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस फ़ोन के डिज़ाइन और फिजिकल रिव्यू के बारे में। तो राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर और उसके ठीक नीचे पावर लॉक अनलॉक बटन देखने को मिलता है, और लेफ़्ट साइड में आपको सिम ट्रे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसके सिम ट्रे को ओपन करके देख लेते हैं। इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलता है, जिसमें आप डुअल सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं। और नीचे के साइड स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन और हेडफोन जाके देखने को मिल जाता है, और ऊपर के साइड भी एक माइक्रोफोन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले डिपार्टमेंट की। तो इसमें आपको 6.4 इंच का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसमें 60 हर्ट्ज के साथ 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग देखने को मिलता है। अब बात की जाए कैमरे की, तो इसमें 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। इसमें आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलती है, और इसमें 30 वाट का डार्ट चार्जर दिया गया है, जो कि 0 से 100% चार्ज करने में 65 मिनट का टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसमें आपको मीडियाटेक हेलियो G95 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, और यह एंड्रॉयड 11 के साथ आता है। इसके कैमरे के बारे में बात करें, तो मैंने इसके कैमरे से कुछ फ़ोटो क्लिक किया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 15000 के प्राइस रेंज में देखा जाए तो इसका कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, और इसमें मैंने स्लो मोशन वीडियो भी बना के देखा है, जैसा कि मैं सैंपल आपको दिखा रहा हूँ। इस फ़ोन में आप 30 FPS पे स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को भी मिलता है, जो कि बहुत फास्ट काम करता है। तो फ्रेंड्स, इसकी प्राइस रेंज की बात की जाए तो ये फ़ोन 15000 के आसपास देखने को मिलता है, जिसे आप अमेजन या फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं। अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।